विराम बाद फरी स्वागत है आपने आगे बढ़ी अपनी साथ जे मैनेजमेंट जोड़ाई गया है तेना साथ अपने चर्चा करीशु खास कर एक्सपोर्ट एक्सकॉर्ट्स क्यूबोटा मैनेजमेंट जी साथ जोड़वाना है ऑल टाइम डिरेक्टर एंड सीएफओ भरत मदान अपनी साथ जोड़ाया गया है। भरत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। सबसे पहले नंबर्स पे बात कर लेते हैं। ओवरऑल नंबर्स हमने देखे हैं अच्छे आते हुए दिखे हैं, कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल नंबर्स को और क्या कमेंट्स रहेगी? देखिए जो हमारे तीन बिजनेस हैं, तीनों बिजनेस की बात करें तो पिछले साल में थोड़ा ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है थोड़ी सबड्यूड रही थी। फिर लास्ट दो क्वार्टर से जो है आफ्टर पैची मानसून थोड़ा रोल सेंडिंग में थोड़े डाउन थे, तो वो थोड़ी सॉफ्टनेस अभी ट्रैक्टर में चल रही है। लेकिन जो बाकी दो बिजनेस थे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का और रेलवे का, उन दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एवं तो मार्जिन फ्रंट की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल तीनों बिजनेस में ही मार्जिन इम्प्रूवमेंट को देखने को मिली है पिछले साल में, तो अभी हमें गोइंग फॉरवर्ड भी लगता है कि वाला सेम मार्जिन जो है मोमेंटम सस्टेन रहेगा आगे भी। जैसे आपने बोला ट्रैक्टर बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन दिखा है, क्योंकि FY24 में ट्रैक्टर वॉल्यूम्स की बात करें तो 7.2% डाउन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा है। Q1 FY25 में डिमांड वीक रहने की एक्सपेक्टेशंस थी, अब FY25 फर्स्ट हाफ कितना वॉल्यूम डीग्रोथ आप देख रहे हैं ट्रैक्टर को लेके? फुल ईयर की बात करें तो हमें लग रहा है कि तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है मिड सिंगल डिजिट तक ग्रो करेगी, बट जो जो मेजर ग्रोथ जो आएगी वो मानसून के बाद ही आएगी। तो आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री अच्छी रिवाइव होगी, स्पेशली तो सदर्न और वेस्टर्न पॉकेट्स में जहाँ पे रेन डिपेंडेंस काफी है इरीगेशन के लिए, तो वहाँ पे रिकवरी अच्छी होने की उम्मीद है। बाकी जो इनिशियल मंथ्स हैं आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, बिकॉज अभी जो रबी की आउटपुट भी है वो थोड़ी कम रही है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स, तो बिकॉज वो मानसून ठीक नहीं था तो उसकी वजह से हार्वेस्ट भी थोड़ी ठीक नहीं आई। बट अदरवाइज जो है फुल ईयर बेसिस पे FY25 पे हमें लगता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री रिकवर कर जाएगी। ठीक है सर, और ट्रैक्टर बिजनेस मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोअर रॉ कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसके कारण ट्रैक्टर बिजनेस मार्जिन की बात करें तो 11.2% पे कंटिन्यू स्टेबल हमने रहता देखा है। कॉस्ट एफिशिएंसी के कारण क्या लग रहा है ये लेवल पे ट्रैक्टर बिजनेस मार्जिन जो है वो सस्टेन होते हुए दिखेंगे आगे? जी हाँ, ट्रैक्टर बिजनेस के अगर आप पूरे साल के मार्जिन देखें तो आई थिंक 12-13% की रेंज में है, मतलब हमें उम्मीद है कि अगले साल में रफली 1% से मार्जिन हमारा फर्दर इम्प्रूव होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर में। तो कुछ कॉस्ट इनिशिएटिव जो कंपनी ने ली है उनका फुल ईयर का इम्पैक्ट जो है अगले साल में देखने को मिलेगा, तो हमें उम्मीद है 13-14% के मार्जिन जो होंगे ट्रैक्टर बिजनेस में रहेंगे। और कमोडिटी प्राइस अभी सॉफ्ट ही है तो अभी हमें बहुत ज्यादा उसमें इंक्रीज होने की अभी कोई विजिबिलिटी नहीं नजर आ रही है, तो उसके रहते मार्जिन फंड पे कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी ट्रैक्टर बिजनेस। ठीक है सर, आपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस की भी बात की तो FY25 में आप यहाँ पे कितना ग्रो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिमांड और ट्रेंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कैसा रहता दिख रहा है अभी? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में काफी अच्छी डिमांड रही है पिछले साल में, हमारा बिजनेस भी ऑलमोस्ट 42% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और इंडस्ट्री की भी एक नए रिकॉर्ड पीक पे पहुंची है पिछले साल में। और अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, वो जो उनका अभी इनिशियल अनाउंसमेंट आया था फरवरी के मंथ में वो भी काफी बुलिश है अगले साल के कैपेक्स को लेके। तो आई थिंक कैपेक्स अगर ज्यादा रहेगा तो हमें उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम चलता रहेगा, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड जो है आई थिंक सस्टेन रहेगी, तो उसमें अभी हमें कोई स्लोनेस आती नजर नहीं आ रही। और रेलवे सेगमेंट की अगर बात करें भरत जी तो यहाँ पे Q4 FY25 में हमने देखा है कि रेवेन्यू जो है वो 10% से डिक्लाइन होता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे FY25 को लेके टॉप लाइन ग्रोथ क्या रहेगी रेलवे सेगमेंट में? देखिए जो डी ग्रोथ है वो खाली क्वार्टर फोर में दिखी है, पर अगर आप पूरे साल FY24 को देखें रेलवे बिजनेस को तो ओवरऑल 12-13% की ग्रोथ आई है रेलवे बिजनेस में ईयर ऑन ईयर। तो सेम बेसिस पे हमें लग रहा है कि अभी हमारी काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, 950 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है, और पिछले साल का अगर रेवेन्यू देखें पूरा रेलवे बिजनेस में वो भी 950 करोड़ के आसपास रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें उम्मीद है कि FY25 में भी डबल डिजिट ग्रोथ जो है रेलवे बिजनेस में देखने को मिलेगी, और यहाँ भी क्योंकि गवर्नमेंट का काफी अच्छा फोकस है और जो टेंडरिंग हुई है जो ऑर्डर प्लेस किए गए हैं फ्रेट वैगन के या पैसेंजर कोचेस के लिए या वंदे भारत ट्रेन के, तो काफी अच्छा मोमेंटम है उसमें, और हमारे प्रोडक्ट्स इन इन सब सेगमेंट को कैटर करेंगे और उस सेगमेंट में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमें इसको अगले साल में।
सवाल रहेगा, जैसे हमने देखा है साउथर्न और वेस्टर्न मार्केट की बात करें तो कंपटीशन और अंडर परफॉर्मेंस के कारण मार्केट शेयर में ग्रोथ थोड़ा कम दिखा है। फोर्थ क्वार्टर की बात करें FY24 में तो जो एस्कॉर्ट का मार्केट शेयर है वो 11.6% पर रहा है। यहाँ पे कोई स्कोप आप देख रहे हैं मार्केट शेयर बढ़ने का FY25 तक? जी हाँ, तो अब क्वार्टर फोर की भी जैसे बात करें तो हमारा मार्केट शेयर आई थिंक 10.7 से 11.6 हुआ है, तो रफली 1% के आसपास का जो है ग्रोथ देखने को मिला है। और स्पेशली ये ग्रोथ जो आई है हमारी स्ट्रॉन्गर मार्केट से आई है जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की हैं, तो स्पेशली यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये जो पॉकेट्स हैं इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इन सेगमेंट्स में हमारी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और आगे भी जाके हमें लगता है कि ये स्टेट्स अभी अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी, और अगर मानसून अच्छा हुआ तो डेफिनेटली ये हमारा इंडस्ट्री के काफी मेजर एरिया जो है पोर्शन कवर करती हैं, और हमारा ये स्ट्रांग पॉकेट्स हैं, तो इसलिए उसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर में ग्रोथ आने की भी उम्मीद है। ओके भरत जी, ऑन दैट नोट शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी डिटेल्स चेक करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर सर। चलो।